दूसरे का तन का कपड़ा जो फट जाता है, जो नया कपड़ा खरीद नहीं पाते हैं लोग, उनका कपड़ा ये सीने का काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम है दादाजी का। नमस्कार, मैं गगन, आज पूर्णिया जिले में जो डगरवा ब्लॉक है, डगरवा ब्लॉक में एक दंसार गांव है और यहां गांव में ही एक हटिया है, मार्केट है छोटा सा। और यहां पे हम लोग एक दादाजी को देखे कि जो कि लगभग 45 साल से सिलाई का काम कर रहे हैं, और साथ में जो ये सिलाई मशीन आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम यही एक ही पीस ये लिए थे 45 साल पहले, और अभी तक वो उसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने अभी तक इस मशीन को चेंज भी नहीं किया है। अब जानते हैं इनके पीछे आखिर क्या राज है, जो कि पहली बार ज़िंदगी में कुछ किए थे ये, और वही मशीन से अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनका अब उम्र भी हो चुका है, फिर भी इस काम को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अब जानते हैं, इनका नाम ज्योतिष दास जी है, ऐसे यहाँ पे इसको दास जी के नाम से भी सब लोग जानते हैं। तो बात करते हैं इनसे, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि 40-45 साल से ये इसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दादा जी, आपका क्या नाम हुआ? ज्योतिष दास। तो आप जो ये मशीन का यूज कर रहे हैं, कितना दिन से कर रहे हैं? 45 साल से जो आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? जो कि अभी देखिए, अभी नया समय में नया टेक्नोलॉजी है, अभी देखते हैं क्या बिजली से भी चलने वाला ये सिलाई मशीन, अब अक्सर सिलाई दुकान पे रहता है, लेकिन अभी तक आप इसको क्यों नहीं बदले हैं? इसके पीछे आखिर क्या वजह है कि इस मशीन को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं? हो सकता है इसके पीछे कुछ वजह बहुत बड़ा होगा जो कि अभी तक आप इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए इसके पीछे क्या काम है। तो इनका कहना है कि मशीन चलाना बढ़िया लगता है। तो ये मशीन आप कहाँ से लिए थे या फिर कैसे मिला था, इसके बारे में बताइए। देखिए, कितना ही इंटरेस्टिंग बात है, इनको ये मशीन जो है ससुराल से मिला था, और मात्र ये 350 रुपया में, मतलब उस टाइम इसको मिला था। और ये ससुराल से कोई कारण तो होगा जो कि ससुराल से मिला था, आप अपने से नहीं खरीद पाए, कोई वजह हुआ होगा। वजह है कि उस टाइम हमारे पास बहुत गरीबी था, इस वजह खरीद नहीं सकते थे, ठीक है, ये लेके ससुर जो था। देखिए, बहुत दर्दनाक बात है, उस समय शायद इसका स्थिति खराब रहा हुआ होगा, ये उसके पास 350 रुपया भी नहीं जुट पाया। तो ये तभी सिलाई सीख रहे थे और इनका ससुर जी जो है इसको मशीन लेके दिए थे ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। बहुत ही प्यारा मैसेज है। देखिए, आजकल तो ससुर दामाद का अक्सर देखते हैं, बहुत जगह बढ़िया भी रिलेशन रहता है या बहुत जगह खराब हो जाता है, लेकिन इनका प्यार देखिए इन लोग का, ससुर का दिया हुआ पहला गिफ्ट अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो आप ये बताइए दादाजी कि ये मशीन से आप अभी तक क्या कुछ कर पाए हैं, या इसी से घर चला पाए इतना दिन, या फिर और कुछ किए हैं? बहुत कुछ किए हैं, इससे जो है कि हम जमीन भी खरीदे हैं, मकान भी खरीदे हैं, बाल बच्चा को भी पढ़ाया लिखाया है। तो इनका कहना यही कि यही मशीन से, जो इनके ससुर का दिया हुआ मशीन है, इसी से ये अपना घर द्वार चलाए, भरण पोषण घर का इसी से हुआ है, और दो तीन बीघा जमीन भी ये खरीदे हैं। और ये देखिए, ये जो हम लोग यहाँ पे मार्केट आए हुए हैं, ऐसे तो हर जगह मार्केट अभी डेवलप हो चुका है, लेकिन ये जो दंसार मार्केट है, दंसार हटिया है, इसको यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 1970 या 75 का आपको टाइप का फील होगा इस बाजार पे आके। अगर आप यहाँ पे कभी नहीं आए तो आके देख सकते हैं। अभी बाद में हम लोग दूसरा वीडियो में देखेंगे कि और मार्केट में क्या है। और हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि अगर लाइफ में कोई किसी को गिफ्ट देता है तो उसको संभाल के रखना चाहिए। जैसे ये दादाजी को इनके ससुर जी ने छोटा सा गिफ्ट दिया था 350 रुपये में, उसी से ये अपना जिंदगी बिता दिए, उसी को इतना अच्छा प्यार है इन दोनों का। यहाँ तक इस मशीन का देखिए, ये जो लकड़ी है ऊपर का, ये भी चेंज नहीं किया गया है, थोड़ा सामने आइएगा, इसका लकड़ी भी उसी टाइम का लगा हुआ है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। आगे का देखिए, ये सब सारा ये लकड़ी भी खिया गया, इतना यूज हुआ है। और ये यहाँ पे इस मार्केट में जो है इसे हल्का फल्का ये नया कपड़ा का सिलाई करते हैं। ये दादाजी इधर फोकस करिए,
कपड़ा का तो हल्का फल्का इनके यहाँ आता है, देख के ही लगता होगा आप लोगों की किस टाइप का ये कपड़ा सिलाई करते हैं। लेकिन ये मेन रूप से जो हमको लग रहा है अभी, मतलब पहले जो भी किए किए, अभी जो है अक्सर ये ज़्यादातर जो किसी का फटा पुराना कपड़ा होता है उनको सिलने का काम करते हैं। तो ऐसे आप लोग गलत नहीं समझिएगा, मेरा कहने का मतलब यही है कि दूसरे का तन का कपड़ा जो फट जाता है, जो नया कपड़ा खरीद नहीं पाते हैं लोग, उनका कपड़ा ये सीने का काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छा काम है दादाजी का। हम लोग दुआ करते हैं कि दादाजी हमेशा स्वस्थ रहें, खुशी से रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी दूसरा ब्लॉग हम लोग यहाँ पे फिर बनाएंगे दंतार हटिया का, उसके लिए फिर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।